हेलो इंजीनियर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सिलीगुड़ी प्लेटफॉर्म पे। मैं इंजीनियर पंकज कुमार कॉर्पोरेट ट्रेनर आज अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो सर्कुलर स्टीरअप होता है उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, आप भी सीखिएगा सर्कुलर स्टीरअप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ बोर्ड पे सर्कुलर स्टीरअप यहाँ पे बनाया हुआ है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ इसका डायर दिया हुआ कितना 500 mm, इसका डायर 500 mm। इसे जो स्टीरअप का जो है डायर है, जो स्टीरअप में जो डायर यूज कर रहे हैं कितना है 8 है, यानी कितना हुआ 8 mm का हम क्या कर रहे हैं स्टीरअप यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसका वो कटिंग लेंथ निकालना, तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी अगर हम बार प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कवर प्रोवाइड करने के बाद क्या किए, ये हम स्टीरअप प्रोवाइड किए, इसका कटिंग लेंथ निकालना है। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंच से हमें क्या करना है दूसरे इंच पे पहुंचना है। तो अगर मैं कटिंग लेंथ की बात करें तो हमें स्टार्ट करना से करना पड़ेगा, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे और हम कहां आना है पॉइंट बी पे, यानी इस तरह से ये पूरा सर्कुलर जो स्टीरअप लगा है पॉइंट ए से ये पूरा डायमेंशन घूमेगा और पॉइंट बी पे क्या करेंगे आगे एंड हो गए। ये हमारा क्या हुआ स्टीरअप का कटिंग लेंथ हुआ। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा होगा हुक, हुक सर, ये हमारा होगा हुक प्लस में इस पॉइंट लगा गए, ये हमारा क्या होगा ये पेरीमीटर। पेरीमीटर कितने दूर हमारा स्टीरअप लग रहा है, यस सर, मीटर सर्कुलर का पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर प्लस ये क्या हो गया, फिर ये हुक हो गया, यस सर, ये हमारा क्या हो गया दो ये हुक हो गया, यस सर, ये हमारा क्या हो गया कटिंग लेंथ, यस सर, कटिंग लेंथ हमारा क्या हो गया ये हुक, फिर ये क्या हो गया 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर, फिर क्या हो गया हुक, ये हुक, यस सर। हुक जो जनरली प्रोवाइड करते हैं कितना करते हैं 90 degree अगर ये हमारा हुक इस तरह से बेंड नहीं होगा स्टीरअप हमारा ये सीधा आता है ये बात, तो सीधा हमारा ऐसे आता और ये क्या होगा इसको बेंड प्रोवाइड करते हैं, तो इससे कितना बेंड हुआ 90 डिग्री। यहाँ पे कितना सर्कुलर में कितना बेंड है 90 डिग्री। हमारे पास क्या है सर्कुलर है स्टीरअप, ये हुक, फिर ये पूरा इसका पेरीमीटर और ये हुक, ये देख स्टीरअप में कितना हुक हो गया 2 सर, ये 2 हुक हो गया हमारा और इसका क्या हो गया पेरीमीटर। तो हुक निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना डिग्री पे बेंड था 90 डिग्री प्लस 2 पाई आर, आर वहां निकालना है, तो आर निकालने क्या करेंगे स्टीरअप पे क्या करेंगे सेंटर पे पहुंचते हैं। सेंटर पे क्यों पहुंचते हैं, ताकि हम क्या करना बेंड डायरेक्शन नहीं करना पड़ेगा, सेंटर पे हमारा क्या होता है नेचुरल एक्सिस होता है, तो इसके सेंटर पे हमको क्या निकालना है आर निकालना है, रेडियस निकालना है। टोटल डायमीटर कितना दिया हुआ है 500, ये बड़े वाला आर कितना हो जाएगा, ये 250 हमको निकालना, ये छोटा वाला है, यस सर, तो छोटा वाला आर कितना हो जाएगा 8 माइनस कर देंगे 500 डिवाइडेड बाय 2 8, ये बड़ा वाला आर निकला, यस सर, माइनस कवर, लेकिन छोटे वाला आर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कवर माइनस करना पड़ेगा, यस सर, कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कवर कितना का 40 का, 40 का कवर प्रोवाइड कर रहे हैं, 40 हो गया माइनस 4, हमें आर कहां है स्टीरअप के बगैर ना सेंटर पे आना है, सेंटर पे आने के लिए क्या करेंगे डायर ऑफ बार, कितने डायर का है 8 mm का, तो हाफ माइनस किया कितना 4, यहां से कितना आ जाएगा ये 206 250 माइनस 40 माइनस 4 यानी ये कितना 206 सर, हमारा आर कितना आ गया 206 में, यहां आर लिख के जगह पे हम वैल्यू रखते हैं कितना पे 206 इनटू हुक कितना हो गया 10 डी, यहां हुक लिख दिए 10, यहां प्लस में हुक क्या आ जाएगा 10 डी। अब इसका कैलकुलेशन निकालते हैं 10 इनटू डी कितना है डायर के बाद 8 है, 8 है सर, तो कितना जाएगा 8 प्लस 2 पाई का वैल्यू 3.14, यस सर, इनटू 206 प्लस 10 इनटू डायर के बाद 8, यस सर, ये हमारा क्या हो गया हुक। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना जाएगा 10 इनटू 8 1454, ये 80, ये जाएगा 206 प्लस में क्या जाएगा 80, इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 1454 mm। ये हमारा क्या हुआ जो स्टीरअप क्या हुआ कटिंग लेंथ हुआ। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या किया सबसे पहले ये हुक लिए, इसका देखिए आपको जितने में घूम रहा है इसका पूरा 3 मीटर, फिर ये हुक, फिर हम हुक का यह क्या रखिए कितना हमारा हुक जो होता है 10 डी 90 डी 10 डी
अगर 135 होता है कितना लेते हैं 12 12 फिर ये पेरिमीटर का फार्मूला लगाया सर गुणा करिए 2 पाई आर फिर यहां से क्या किया हुक फिर यहां पे बेंड डिडक्शन नहीं हुआ बेंड डिडक्शन क्यों नहीं होगा क्योंकि हम क्या किए हैं स्टेप के सेंटर पे सबको समझ में आ गया यस सर होप सो इंजीनियर आपको भी ये वीडियो समझ में आया होगा कि सर्कुलर स्टेप का कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं अगर हमारे ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें एंड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा दोस्तों बीच में क्या करें शेयर करें ताकि उनको भी क्या हो जो स्टेप का जो सर्कुलर स्टेप का क्या है कटिंग लेंथ वो भी सीख पाए और इसलिए अपने साइड पे क्या कर सके कैलकुलेट कर सके तो मिलते हैं इसी जगह के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत चलिए मेरे साथ नाला है करना है खास चलो करना है खास चलो की बात।